नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति पाने के कुछ उपाय बताए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में क्लेश होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। हर किसी की अपने गृहस्थ जीवन में सुख और शांति की कामना होती है। घर और जीवन की खुशहाली ही व्यक्ति को जीवन में प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। परिवार में व्याप्त कलह यानी कि कलेश से व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। ग्रह कलेश से बचने या उसे कम करने के लिए ज्योतिष में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। आगे हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपका जीवन सुखमय और खुशहाल बनाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऐसे कुछ उपाय। दोस्तों, पहला उपाय है सोने की दिशा। आप किस दिशा में सिर और पैर करके सोते हैं, यह ग्रह कलह में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ग्रह कलह से मुक्ति के लिए रात को सोते समय पूर्व की ओर सिर रखकर सोएं। इससे आपको तनाव से राहत मिलेगी। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। दोस्तों, दूसरा उपाय है हनुमान उपासना। हनुमान जी की नियमित रूप से की गई उपासना आपको सभी प्रकार के संकट और ग्रह कलह से दूर रखता है। यदि कोई महिला ग्रह कलह से परेशान है तो भोजपत्र पर लाल कलम से पति का नाम लिखकर तथा उस पात्र को घर के किसी कोने में रख दें। इसके अलावा 11 मंगलवार नियमित रूप से हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं एवं सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से परेशानियाँ दूर होगी और आपको राहत प्राप्त होगी। दोस्तों, अगला उपाय है प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर या घर पर शिवलिंग के सामने बैठकर शिव की उपासना करें। इसके बाद आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा नियमित करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगला उपाय है गणेश उपासना। यदि किसी घर में पति पत्नी या बाप बेटे के बीच कलह है या किसी भी बात पर विवाद चल रहा है तो इसमें गणेश उपासना फायदेमंद रहेगी। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आप नुक्ति के लड्डू का भोग लगाकर प्रतिदिन श्री गणेश जी की शक्ति और उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है चींटियों को भोजन। चींटियों के बिल के पास शक्कर या आटा व चीनी मिलाकर डालने से गृहस्थ की समस्याओं का निवारण होता है। ऐसा नियमित 40 दिन तक करें। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में कोई नागा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और अगला उपाय है गोमती चक्र फेंकें। यदि पति पत्नी के रिश्ते में तनाव अधिक बढ़ गया है तो 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में हलु बलजात कहकर फेंकने से तनाव दूर होगा। 5 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बे में घर के अंदर श्रृंगार वाले स्थान या पूजा में रखने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थे वो उपाय जिनको अगर आपने अपना लिया और जिनको आपने किया तो आपके घर में चल रहे ग्रह कलेश से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।